विषयों के लिए विशेष सम्मेलन बुलाया गया था। विशेष रूप से जो था वो डेंगू है। आज दो दो महामारी से गुजरने का साहस जनता के पास आए और उसके बचाव के लिए ये विशेष सम्मेलन था। ये विशेष सम्मेलन एक लोगों के हमारे कर्मचारी निगम के ईपीएफ राशि जमा नहीं होती, जो इस महामारी में उनका चिकित्सा इलाज नहीं हो पाता, इसलिए बुलाया गया था। विशेष सम्मेलन बुलाने का जो विषय था उससे बहुत अच्छा विचार हुआ, निर्णय हुआ और इसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष जो है बिना मुद्दे के भी जो बहिष्कार विरोध करना ये उनका धर्म है, वो करेंगे। लोकतंत्र में होना भी चाहिए किंतु तार्किक होना चाहिए। आज नगर पालिका निगम रायगढ़ का विशेष सम्मेलन था, इसमें मैं आया था और इस बैठक में डेंगू और अन्य महामारी के संबंध में चर्चा हुआ और बैठक चल रही है। और मैं तो यहाँ के पार्षद महापौर महोदय सभापति आयुक्त को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि रायगढ़ जैसे शहर को बहुत अच्छे ढंग से साफ सफाई, अन्य जो गंदगी है उससे साफ सफाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए अब अभी चुनाव हुआ है, लगभग 7-8 महीना हुआ है। मुझे विश्वास है आने वाला समय में रायगढ़ एक छत्तीसगढ़ में अच्छे शहर, व्यवस्थित शहर, सुंदर शहर, साफ शहर बनेगा, ऐसे मुझे विश्वास है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और शहर का विकास के लिए बैठक किया गया था और इसमें भाजपा पार्षदों ने एक साथ जुट होकर ये साबित किया कि उन लोगों का मानसिकता अलग ही है। उन्होंने राजनीति की और इसमें डेंगू जैसे बीमारी को एक आम बीमारी का घोषणा करते हुए बहिष्कार कर दिया और किसी भी जनता डेंगू से आदमी का मृत्यु हो जाए ऐसा बीमारी को उन्होंने आम बीमारी बताया। उन लोगों का ये कहना गलत है और ये भी है उनका कि आज विशेष सम्मेलन बुलाने का क्या कारण है और लेट होने का भी क्या कारण है। कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने जो पूर्व में मार्च में किया था बैठक का स्थगित, उसके लिए हम लोगों ने शासन से पत्र आने का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए लेट हो गए और शासन के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हमारा जो ऑडिटोरियम है शहर के हृदय स्थल पर स्थित, इसमें यह कार्रवाई हुई पूरी और सफल रहा। कई मुद्दों पे इस पर स्वीकृति मिली, जो कि हमारे जो सफाई के टेंडर्स हैं, साथ ही बायोलिगेसी वेस्ट का जो मामला है जिसकी स्थापना की जानी है और इसके साथ ही वर्षों तक जो बहुप्रतीक्षित होता रंजय कॉम्प्लेक्स के में प्रमोटर बिल्डर की जो भागीदारी थी उसको समाप्त करने का प्रस्ताव निगम में सर्वसम्मति से पारित किया गया। निश्चित रूप से आज की बैठक जो है कई मामलों में अलग होगी और इससे आने वाले समय में नगर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। देखिए निश्चित रूप से हमारे निर्वाचन के बाद आज ये पहली बैठक आहूत की गई थी। सभापति महोदय की अगर मंशा, शहर सरकार की अगर ये मंशा अच्छी होती तो आज ये बैठक विशेष बैठक के न होकर के साधारण सभा की बैठक होती। साधारण सभा की अगर बैठक होती तो निश्चित रूप से विधि में प्रावधान है कि सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शहर सरकार से उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। आज शहर की सरकार इस बात को जानती है कि पूर्व की जो साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी उसमें विभिन्न बिंदु हैं जिसमें शहर सरकार घिरती दिख रही है। इस बात से अपनी जवाबदेही से डर करके शहर सरकार इस बैठक को साधारण सभा की बैठक के रूप में परिवर्तित कर रही है। डेंगू महामारी को लेकर के शहर के अंदर में इस बात को बताना चाह रही है। आज हम सभी जानते हैं कि रायगढ़ नगर पालिका निगम में आज से विगत 4-5 दिन पूर्व डेंगू को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। शहर के सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे, जिस विषय में एक कार्ययोजना भी बन चुकी है शहर के लिए। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि शहर सरकार अपनी जिम्मेदारी से इस बात को जानती है शहर सरकार कि अगर ये साधारण सभा की बैठक होती तो इसमें CCTV का मुद्दा होता,
मास्क खरीदी का मुद्दा होता, सैनिटाइजिंग का मामला होता, हेलीकॉप्टर से सैनिटाइज करेंगे शहर को इसका मुद्दा होता, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें शहर सरकार घिरती हुई अपने आप को समझ रही है। जानबूझ करके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करते हुए इस लोकतंत्र में जो विधि का प्रावधान है, अगर सभापति महोदय चाहते तो जब 17 तारीख को बैठक की सूचना में जब पत्रक में दस्तखत कर रहे थे तो 3 दिन का दिवस और बढ़ता तो इस साधारण सभा की बैठक के रूप में आज ही हम सभी लोग शहर की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते। हम भी आम जनता की प्रश्नों को लेकर के आप सभी लोगों के माध्यम से समय समय पर हम अपने प्रश्नों को उठाते हैं। For more information, log on to www.clips.in.